करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे इंची करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे गड्डी नी बुलडोजर की गाड़ी और ये मेरी जेसीबी की क्रेन गई आगे डुक 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 और इसने कर दिया घट्टा और ये घट्टे करती गई मेरा मतलब है छेद करती गई। अब इसकी मिट्टी वहां ले जाऊंगा फिर वहां पे नया घर बनाऊंगा अपना। यस अपनी क्रेन से चल क्रेन डुक 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 डुक। अब यहां पे छेद करने लग गई कट 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 कट। अब इसकी मिट्टी उठा के वहां पे ले जाऊंगा। यस अबे ओए तू पागल है क्या कि इस बकवास सी क्रेन से खेला जा रहा है? छोटा बच्चे की तरह हरकतें क्यों कर रहा है? हो वो क्या है मेरी क्रेन को बकवास बोल रही है तू? सुन ले मेरी बात कान खोल के, मेरी क्रेन को अगर तूने बकवास बोल दिया ना जान से मार डालूंगा तेरे को, ठीक है ना? क्योंकि मेरा बचपन का प्यार है, तू होगी बेवकूफ और तू होगी पागल। चल पागल, पता नहीं भगवान किस पागल से पाला पड़ा है। हाँ मेरे को भले ही पागल बोल ले तू, मेरी क्रेन के बारे में कुछ मत बोलियो, ठीक है ना? बचपन का प्यार है मेरा ये, तू खुदाई कर। चल तू स्क्रीन के साथ खेल रहा है, मैं तो चली आ जा। चल बचकांड, ये क्या क्रेन मशीन से खेल रहा है? शर्म नहीं आती क्या? हमारी एज का हो गया और क्रेन मशीन से खेल रहा है, बेशरम। ओए दोस्तों इधर आ जल्दी। ये देखो बचकांड को। अबे बच्चा क्या अभी भी क्रेन से खेल रहा है? वही तो, मैं इसको कब से समझाई जा रही हूँ, लेकिन ये पागल स्क्रीन के साथ खेला जा रहा है, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? ये कोई जीव जंतु है क्या जो खेला जा रहा है? इसे आप करके बात कर इज्जत से, ठीक है ना? मेरे से ज्यादा इसको प्रायोरिटी दे। मैं तो पहले ही कह रहा था आपको इसके साथ रहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ये बॉयफ्रेंड है, इसमें घुमाएगा। हाँ। देखो अभी भी ऑप्शन है हमारे पास, एक येरी और एक वोरी चमचमाती गाड़ी। हाँ और लाइन में तीन है, तीनों में से कोई भी चॉइस। ऑप्शन तीन तीन है, इस पागल से तो तीनों बढ़िया है। हाँ, तीन ऑप्शन तो है मेरे पास। देखो तुमने, देखा तुम्हारी भाभी बनने के लिए तैयार है, मेरे पैरों में भी गिरने के लिए तैयार है, अब तुम बताओ। तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं। मतलब हम दोनों की बात कर रहे हो? ओ, क्या 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 ओए, क्या बात कर रही है उनके बारे में? तू मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उनके बारे में कुछ मत बोल। ओए ये भाग गई है थोड़ी सी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना? तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रही है। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तेरे साथ मतलब मेरे साथ तेरे को नहीं रहना? और मतलब इट्स ओवर है, इट्स ओवर। यस बेबी प्लीज ऐसा मत करो प्लीज, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता। अबे चल, तेरे से प्यार करूंगा क्या जो मेरी क्रेन की इज्जत ना करती हो? मैं तो कह रहा हूँ गेट आउट, अभी निकल यहाँ से। तू रह इस क्रेन के साथ फिर। तो रहूंगा ही, मैं तो बैठूंगा अभी इसमें। और वैसे भी मेरा पहला प्यार है मेरी क्रेन और दूसरा प्यार है तू, तू थी और ये है। ओके यू अंडरस्टैंड? देखा मैडम, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, इस इंसान ने आपको सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। आपके पास अभी भी ऑप्शन है, वो भी दो दो। इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है। मतलब अरे चाहत। अच्छा चाहत, सही कह रहा है, सही कह रहा है। समझ लो, मतलब देख लो, दो दो ऑप्शन है। मैं तो कह रहा हूँ इसे छोड़ दो, गाड़ी में घूमते, सनरूफ भी है, ऊपर तली कड़ी तेरी रील भी बना देंगे। मोटी चैन मोटा पैसा। हाँ मैं स्कूटरी से बनवा दूंगा। हाँ। और इसी क्रेन में थोड़ी बैठेंगे नकली में। अभी मैं छोटा हूँ ना, इसलिए छोटी क्रेन के साथ खेलता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ी क्रेन भी ले आऊंगा। और कितना बड़ा होगा, खंबे जैसा तो हो गया है। तू फालतू मत बोला मेरे से। अब ओए सात पुश्ते भूखी रहेगी ना, जब भी क्रेन नहीं आएगी, 60 लाख की आती है वो क्रेन लाएगा ये। औकात है नहीं क्रेन का टायर लाने की भी, क्रेन लाएंगे लाट साहब। औकात के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, अब मेरी सटक गई है। तुम लोगों को मेरा एटीट्यूड दिखाऊंगा मैं। एटीट्यूड की स्पेलिंग आती है? मतलब मेरा ईगो दुख गया अब। ईगो ईजीओ, गलती से बोल दिया था। अबे इतनी प्यारी लड़की को तो स्कूटी पे लेके जाएगा? मैडम आप मेरे साथ चलो, आ जाओ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड को? अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो भाई। अरे शिवम। हाँ भाई। ये क्रेन तुझे प्यारी है ना? हाँ ये मेरे को मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। दिखा इधर। हाँ। अबे ओए, जब तेरी क्रेन मशीन लेने की औकात हो जाए ना, तब आके हमसे बात करियो। अभी तो फिलहाल जा इस बचकांड वाली क्रेन के साथ खेल। क्या बात है, ये बचे हैं मेरे पास 50 रुपये। भाई वाह, आजकल मैं कितना अकलमंद हो गया हूँ, मैंने बचाए इस महीने 50 रुपये। अरे कोई मुझसे सीखे घर चलाना कि घर कैसे चलाते हैं। पापा मुझे आज की आज जेसीबी क्रेन लाके दो, मुझे नहीं पता आप कहीं से भी लाके दो, मुझे आज की आज जेसीबी क्रेन चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। जेसीबी क्रेन?
मैं पागल हो गया क्या? तेरे को जेसीबी क्रेन चाहिए तो करेगा क्या उसका? वो मुझे नहीं पता पापा, आप मेरे को कहीं से भी ला के दोगे। आज आपको पता है मेरे दोस्तों ने कितना दलील किया मेरे को, आज उन्होंने मेरे से कही तेरी औकात नहीं है जेसीबी क्रेन खरीदने की। अरे क्यों नहीं औकात मेरी, मैं बोली आया उनको मैं भी ला के दिखा दूंगा उनको क्रेन। हंसने लगे पापा वो लोग मेरे पे, मेरे को आज क्रेन चाहिए, मेरे को नहीं पता, क्रेन ला के दो। नहीं, कोई जेसीबी नहीं आएगी। अबे चाहिए तो हमें तू भी नहीं था, वो तो तेरी माँ की गलती की वजह से। क्या? खैर छोड़, चल हट, पता नहीं कहाँ से नई नई बातें लेके आता है रोज। पापा देखो जेसीबी क्रेन के कितने फायदे आपको पता ही होगा, अगर हमने जेसीबी क्रेन आज खरीद ली ना तो हम पे पैसा कितना होगा ये तो देखो। आजकल वैसे भी कितने ज्यादा घर बन रहे हैं तो उन घरों में जेसीबी की खुदाई होती होगी, खुदाई होगी जब तो घर बनेगा ना। पापा सोचो जेसीबी से हम इतनी कमाई कर लेंगे, आपका बचपन का सपना पूरा कर दूंगा मैं, आपके लिए रशियन ले आऊंगा। तो सोचो पापा कितने फायदे हैं इसके। किससे, रशियन से? अरे क्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, क्रेन के कितने फायदे हैं। जैसे आज हम रेंट पे रहते हैं इस घर पे, ठीक है, तो काम करेंगे ना कल परसों इस घर को तुड़वा के ना और नया घर बनवा लेंगे अपना, खुद के पैसों का। और तुड़वाने के तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि क्रेन तो हमारी होगी ना पापा। सोचो कितना पैसा बच जाएगा, घर बनेंगे तो पैसा कमाऊंगा। सोचो पापा सोचो, जरा अपने दिमाग पे जोर डालो पापा, कितना पैसा ही पैसा होगा। रोज जाऊंगा नए नए घर बना के लाऊंगा और अपने पापा की जेब में पैसे डालूंगा और फिर क्या बोलते हो, क्रेन ले लें। क्रेन आएगी कहां से? क्रेन पैसों से आएगी ना आपके पास जो है। अरे रोना तो पैसे का ही है, अपने पास पैसा नहीं है और तू जैसे भी खरीदने की बात कर रहा है। अरे लेकिन पापा मेरे दोस्तों ने मेरे को बोली है मेरे को चाहिए क्रेन। अपने पास पैसा नहीं है और कोई क्रेन नहीं आएगी, निकल यहाँ से। पापा दिला देना, पापा दिला देना, पापा एक बार बोला ना, निकल यहाँ से और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर, ये बेकार की बात मत ले गए मेरे पास। मेरे को क्रेन चाहिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को क्रेन चाहिए। अरे यार कोई अपनी क्रेन देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? छोटी क्रेन तो कोई भी दे देता है, बड़ी क्रेन कोई दे ही नहीं रहा। सुबह से लेके शाम होगी किसी ने क्रेन ही नहीं दी मेरे को, कहाँ से लेके आऊँ क्रेन? लानी तो पड़ेगी, कहाँ से लाए? सोच शिवम सोच, कुछ तो जुगाड़ बिठा कुछ तो। क्रेन अबे तेरे को हमारी गाड़ी मिली क्या मरने के लिए? अबे ओए मैं कोई मरने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, और तुम लोगों को यही जगह मिली मेरे को मारने के लिए हैं? मुझे पता तुम मारना चाहते हो मेरे को। अबे ओ हमारे रास्ते से हट जा, हमें क्लब जाना है पार्टी करने, वो भी तेरी, सॉरी हम दोनों की बंदी के साथ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्लब लेके जा रहे हो? या सही सुना तूने। ओ हेलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? मैं गुस्सा आ रहा था, ये मेरे को उल्टा बोल रही है, ये कह रही है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तेरे को गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेगा। मार दिया मैंने, इसके थोड़ी मारूंगा फिर। तेरी वो क्रेन कहाँ है, असली वाली? तो आ जाएगी ना, बड़ी बात थोड़ी है क्रेन लानी, अभी ले आऊंगा क्रेन। कब? कल ले आता हूँ ना, कल लाता हूँ क्रेन। कल या परसों या 10 दिन बाद या फिर 1 साल बाद। कौन सा कल? कल आज वाला कल या कल वाला नल? अबे इसके घर में जो नल लगा हुआ ना उसमें भी पानी नहीं आता होगा मेरे को लगता है। सही कह रहा है बेशरम। हाँ देख लेना, जब लाऊंगा ना आके फटी की फटी रह जाएगी। ओ क्या फटी रह जाएगी? हाँ कह रहा हूँ आँख। अच्छा आँखें, मेरे को लगा। क्या? कुछ नहीं। अबे ओए हमारा ना टाइम मत खराब कर, समझ गया? हमें जाना क्लब में, वो भी लड़कियों के साथ। अब कोई स्टैग वैग की एंट्री की दिक्कत नहीं है हमें, बंदी है हमारी, एंजॉय करना। हमें गुड़गांव सेक्टर 29 में। अरे अब क्यों जा रही हो, मत जाओ ना प्लीज, मत जाओ ना, मैं आपको खुश रखूंगा। ये क्रेन है तो सही, अपने पास क्या दिक्कत है? असली क्रेन की औकात नहीं, इस छोटी सी क्रेन के साथ मुझे पटाना चाह रहा है। पहले जा असली क्रेन लेकर आ, फिर बात करेंगे। अब तो अपनी क्रेन की कोशिश में लगा रहा है, हम चले पार्टी करने। चलेगा? यस क्लब में ब्रो। गाइस लेट्स गो। और हाँ सपने छोड़ दे कि असली क्रेन भी मिलेगी, वो भी जेसीबी वाली। टाइम उतार दे अपना, चल। चलो क्या करूं मैं? क्रेन का जुगाड़ कहां से करूं, भगवान मेरी मदद करो प्लीज। कुछ तो करना पड़ेगा।
अरे भैया एक आधा किलो की दूध की थाली देना, अमूल की। अरे छोटू आधा किलो दूध की थाली ले गया। अरे यार क्या करूं, कहां से लाऊं जेसीबी क्रेन? अब तो उनको जुबान दे चुका हूं मैं, अगर नहीं लाया तो मेरी फिर से बेइज्जती करेंगे वो लोग। हे भगवान कुछ तो जुगाड़ बताओ मेरे को, कुछ तो सद्बुद्धि दो, कहां से लाऊं क्या करूं। अरे भैया वो लॉटरी देना जिसमें क्रेन ही नाम में है। अच्छा वो लॉटरी वाली टिकट अभी देता रुको। हैं क्रेन? अच्छा बच्चों वाली क्रेन? अबे ओ पागल है क्या तू, वो बड़े वाली क्रेन तेरे को मैं बच्चा दिख रहा हूँ। बड़े वाली मतलब वो जो चलाते हैं? हाँ जिसमें मिट्टी उठाते हैं आगे से। लॉटरी में क्रेन निकल रही है गिफ्ट में? हाँ। अच्छा इसका मतलब मुझे क्रेन मिल सकती है? अरे तुम क्या, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो जीतोगे तुम भी, कोई भी जीत सकता है। अच्छा जो जीता उसे मिलेगी। हाँ तो एक काम करो भैया मेरे को भी एक लॉटरी की टिकट दे दो। एक अच्छा लो दो, और ये रही लो दो, लो ये वाली मेरे को दो ये है। अरे ओ अच्छा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। अरे वो पैसे दे जाओ। हाँ खाता में लिख लेना। आज देखूंगा टीवी पर रिजल्ट आने वाला है, जेसीबी क्रेन मैं ही जीतूंगा। जल्दी से फोन करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों? तो मैं हूँ एक नाइजीरियन रिपोर्टर जो कि स्पेशल नाइजीरिया से बुलाया गया, पता है किस लिए? ये सब रिवील करने के लिए। ये सब क्या क्रेन जिसका इतनी बेसब्री से तुम लोग इंतजार कर रहे थे? तो चलो आपका ये इंतजार खत्म ही कर देते हैं आज। तो आज मैं रिवील करने वाला हूँ उस क्रेन के विजेता को जो कि इतनी बड़ी क्रेन लेके जाएगा है? और फिर वो खुदाई करेगा आगे, समझ रहे हैं? समझ रहे? चलो कोई नहीं। तो दोस्तों अपना दिल और गुर्दे और फेफड़े जो भी है तुम्हारे पास ना, बस ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ क्योंकि आज मैं रिवील करने वाला हूँ इस क्रेन के विजेता को। तो भाई स्टार्ट करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्रेन का विजेता है, इस क्रेन का विजेता बहुत बड़ा आदमी है, इस क्रेन का विजेता है। अब जल्दी बोलना, सस्पेंस में क्यों रख रहा है? ठीक है बोलना बोलना हूँ। तो इस क्रेन का विजेता है, क्या नाम था? लकी पांचाल। वाह भाई लकी, नाम में ही लकी है तो भाई जीतते कहीं नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक तो मौका मिला था मेरे को, ये मौका भी हाथ से चला गया, मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं अपने दोस्तों को, मेरी तो बेइज्जती करेंगे वो लोग। आइडिया। भाई सच में कल बहुत मजा आया तुम्हारे साथ क्लबिंग करके, और वो पागल कहाँ, वो छोटी सी क्रेन के साथ बस खेलता रहता है। ये तो मैंने पहले ही बोला था, हमारे साथ रहोगे तो गाड़ियों में घूमोगे, क्लबों में एंजॉय करोगे, भाई मजा ही आ गया तो शॉर्ट्स में तो। आहा हाँ सच में, और मैंने नहीं सोचा था कि किसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी और इतनी लग्जरी। ये तो कुछ भी नहीं है, इस बार गोवा भी जाएंगे न्यू ईयर पे, बता तो दे। अरे ये क्या होता है, नया साल होता है। अब वही अबे मैं क्या कह रहा था, दिसंबर का महीना चल रहा है, मनाली चलते हैं, मस्त काचे काट के आएंगे। सही कह रहा भाई, सनरूफ खोल के रील बनाएंगे। हाँ आपकी। वैसे मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था तुम दोनों के साथ रिलेशन। हाँ, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी किसी की। होगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है, पैसा इतना कमा रखा है बाप दादाओं ने, एक ही बनी है पूरे इंडिया में। है भाई है। क्या है? बड़ी गाड़ी। कहाँ है? बोरी। गड्डी नीमी जी करा के भाई इंची दे पवा के, टायर कम देनी तेरे शहर कम दे, जी करा के भाई इंची दे पवा के, टायर कम देनी तेरे शहर कम दे। गड्डी नी अबे ये कौन है भाई? अबे तो पागल है। अबे अभी तो ये कल तक क्रेन चला रहा था, वो भी छोटी सी। अबे कहाँ से लिया है भाई इतनी महंगी क्रेन ये? क्यों बे चौंक गए क्या? हाँ
बोलो बोलो बोलो, बोलती बंद हो गई क्या? अबे तू इतनी लंबी जेसीबी क्रेन लेके कहाँ से आ गया? इतना पैसा आया कहाँ से तेरे पास? हाँ भाई, ये सच में तेरी है क्या? अरे भाई सच में मेरी क्रेन है, दिख नहीं रही क्या? स्टार्ट भी तो है, देखो आवाज आ रही। भाई मेरे को लग रहा है इसे कोहिनूर का हीरा मिला है रात के टाइम। अरे ओ ना ही मुझे कोई कोहिनूर का हीरा मिला है और ना ही मैंने कहीं से चुराई है ये, ठीक है ना? अपनी मेहनत से लेके आया हूँ। अरे तुम लोग आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? और वैसे तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं क्रेन नहीं ला सकता? और सिट्टू तू क्या कह रहा था कि क्रेन कितने की आती है? 50 लाख 60 लाख की? पूरे 70 लाख की है, 70 लाख की मेरी क्रेन, शिवम की क्रेन। 70 लाख की है? तेरे बाप ने देखे कभी 70 लाख? ओए क्या 70 लाख, ये तो पुरानी लग रही है। किसकी? गंदी है इसलिए रखी है क्योंकि अभी मैं इसकी खुदाई करके आया हूँ, मतलब इससे खुदाई करके आया हूँ, इससे घर बना के आया हूँ, अपना घर। साइड इनकम भी तो होनी चाहिए ना। वो सब छोड़ो भाई, इन तीनों ने तेरी बुराई करी थी, मैंने नहीं करी थी। अच्छा तो मेरा दोस्त है? हाँ। सच्चा? हाँ। अरे चिद्दी तेरे 5 रुपए गिर गया रास्ते में। इधर इधर क्यों ऐसे धक्का मारा था ना मेरी छोटी क्रेन को, याद आया कुछ? साले दोगले कुत्ते, अब बड़ी जल्दी बाय बाय कर रहा है, रंग बदल रहा है, गिरगिट सारे के सारे गिरगिट कहीं के। तो भाई हम तो तेरे दोस्त है ना तीनों। हाँ। बेस्ट फ्रेंड। और तू कौन है? तू कौन है मेरी? बेबी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना। हां वेट 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 वेट, क्या कहा तूने? बेबी और तू मेरी गर्लफ्रेंड है? सो फनी, तू मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मेरे को छोड़कर नहीं जाती। छोटी क्रेन के भी तो छोड़ के गई थी ना, आज देख कितनी कितनी बड़ी क्रेन है मेरे पास। अब बोल। देखा देखा देखा, एक्टिवा तो मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी, निकल यहां से। चल सही कह रहा भाई। बेबी वो तो छोटी सी गलती थी ना, अब फिर से फ्रेंड बन जाते ना। हाँ भाई सही तो कह रही है, हमें भी घुमा देना क्रेन पे अपनी। हाँ यार भाई, हमारी भी तो इतनी बड़ी क्रेन लेके आया यार। इसका मतलब ये क्रेन में तेरी बदौलत लाया हूँ? हाँ भाई हमारी बदौलत लाया तू, वरना मैं ला ही नहीं पाता। नहीं भाई। सिद्धी हाँ, ये तेरे गाल पे 5 उंगली कैसे छपी है? हाँ पे ए, दिखा दिखा ए, हाँ पे। अबे तू इधर ही रह, नहीं तेरे ऐसे पिटता रहेगा। तीसरी बार और मत चला जी, अब पिट जाएगा वरना। तुमने एक बार गलती करी थी, मैं एक बार तो मैं माफ कर देता हूँ, बच्चा समझ के, कोई बात नहीं। पक्का माफ कर दिया? हाँ, और एक राइड भी दिलाऊंगा तुम सबको। चलो लेट्स गो। इसमें बैठो, इसमें चलो 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 चलो, नए ख्वाब बुन ले। चलो 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 चलो, नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले, मस्ती में डोले। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है? बम बम बोले, मस्ती में डोले। ओ मैं भी तू भी। चलो पांडे, रुको। ओ ओ ये कौन है? ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस वाले अंकल जी आ जाओ। तू ही है ना वो अपराधी जिसने सत्यम का मर्डर करा है? बेचारे को मूते मूते मार दिया, कम से कम मूतने देता उसे। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। अबे मैंने पहले कही थी भाई ये पागल है, देखो इसने हम भी फंसवा दिया अपने साथ। अंकल ये हमारा दोस्त नहीं है, इसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे बस करो यार, तुमने ये तो जान लिया कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन क्यों करा? क्यों करा मैं भी बताता हूँ। बता बता रहा हूँ मैं क्या वजह है सर। सर बताओ, ये चारों है, इन चारों ने मर्डर करवाया मेरे से। हमारी वजह से क्यों करा? हमने क्या बोला था तेरे को कि मर्डर कर गया? सर मैं आपको पूरी कहानी शुरू से समझाता हूँ। वो हुआ यूं कि इन्होंने मेरे को, पता है वो छोटी सी मेरे पास क्रेन थी टॉय वाली, इन्होंने मेरे को इतना वो करा, परेशान किया, इतना डिमोटिवेट करा, तू तो क्रेन ला ही नहीं सकता, तेरे तो बस की नहीं है, तेरी औकात नहीं। सर ये लोग मेरी औकात पे चले गए, औकात पे चले गए। खून गर्म होगा कि नहीं होगा? तो फिर मैंने एक लॉटरी का वो लिया, क्या कहते हैं उसे, पर्चा, उसमें मेरा नंबर ही नहीं निकला। तो फिर मैंने सोचा जिसने लॉटरी जीती है उसी का सर फोड़ देता हूँ। तो सर मैंने उसका सर फोड़ दिया और उसे मार दिया। लेकिन सर इन चारों की वजह से मैंने उसको आज मारा है। अगर ये चार लोग मेरे को डिमोटिवेट नहीं करते ना तो मैं सर ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये चार अपराधी है सर, मैं तो निर्दोष हूँ सर। निर्दोष कोई नहीं है, तुम चारों पांचों ने उस आदमी का खून करा है, तुमको तो सजा मिलेगी, मैं दूंगा तुम्हें सजा। क्या करे भाई बचने के लिए। सही जुगाड़ है। अंकल
दारू की दुकान ठेका ये रहा दारू दारू कहाँ दारू तो दोस्तों जो गलती मैंने करी है वो आप लोग मत करना नहीं तो बहुत पछताओगे मेरी तरह। और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल दासियम को, साइड में घंटे से ही दबा देना। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से फॉलो करो भाई को। और तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते नई वीडियो के साथ। रुक जा तेरे को तो मैं बताता हूँ।